नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A21s versus Xiaomi Redmi Note 11 4G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो A21s में 6.44 इंच जबकि Redmi Note 11 4G में 6.29 इंच की लेंथ मिलती है जो कि A21s से कम है। विड्थ की बात करें तो A21s में 2.96 इंच जबकि Redmi Note 11 4G में 2.91 इंच की विड्थ मिलती है जो कि A21s से कम है। बात करें थिकनेस की तो A21s में 0.35 इंच जबकि Redmi Note 11 4G में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो A21s में 192 ग्राम्स जबकि Redmi Note 11 4G में 179 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो A21s में TFT LCD जबकि Redmi Note 11 4G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो A21s में 6.5 इंचेस जबकि Redmi Note 11 4G में 6.43 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन A21s में 720x1600 और Redmi Note 11 4G में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो A21s में 82.75% जबकि Redmi Note 11 4G में 84.64% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो A21s में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Redmi Note 11 4G में 409 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो A21s में 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Redmi Note 11 4G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो A21s में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Redmi Note 11 4G की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो A21s में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Redmi Note 11 4G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो A21s में माली G52MP1 जबकि Redmi Note 11 4G में Adreno 610 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो A21s में Samsung Exynos 8 Octa 850 और Redmi Note 11 4G में Qualcomm Snapdragon 680 मिलता है। बात करें RAM की तो दोनों फोन में सेम ही 3 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 4GB, 6GB, 6GB की RAM मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 3 वेरिएंट देखने को मिलता है और दोनों फोन में सेम ही 64GB, 64GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो A21s में अप टू 512GB जबकि Redmi Note 11 4G में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो A21s में Android V10 Q जबकि Redmi Note 11 4G में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो A21s में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,999 रुपीस, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,490 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें Redmi Note 11 4G की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 13,499 रुपीस, 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो सैमसंग गैलेक्सी A21s में तीन फायदे और तीन नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi Note 11 4G की तो उसमें 8 फायदे और 6 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में Redmi Note 11 4G आगे है, मेन कैमरा में Redmi Note 11 4G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Redmi Note 11 4G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo Y20 है, दूसरा Oppo A53 2020 है, तीसरा Oppo A15s है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi Note 11s है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।